कैथल के सिद्ध बाबा राजपुरी डेरे में मेला शुरू हो गया है। आपको बता दें, ये मेला दशहरे दिन से यानी कि विजयदशमी के दिन से शुरू होता है और लगातार 3 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिसमें हरियाणा के साथ साथ हरियाणा के लगते तमाम प्रदेशों के लोग अपनी आस्था रखते हैं और इस दिन अपनी आस्था को जाहिर करने या फिर अपनी मन्नत मांगने यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपने पशुओं की जो है अच्छी उनकी कामना के लिए, या फिर खेती बाड़ी अच्छी हो या फिर घर परिवार में सब संपन्नता रहे, इस बात की मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर लोग जो भी आता है वो अपने घर से जो पशु होते हैं उनका दूध जो है यहाँ पर चढ़ा कर जाता है और प्रसाद में यहाँ पर जो है दूध चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है और कई वर्षों से चली आ रही ऐसी मान्यता लगातार अभी तक जारी है। और आज भी राजपुरी डेरा में मेला लगा हुआ है और दूर दूर से श्रद्धालु आज भी आए हुए हैं और विदेशों तक की इसकी मान्यता है क्योंकि यह डेरा काफ़ी प्राचीन है। को मानने वाला मठ बाबा लदाना है, जिसका स्थापना सर्वसिद्ध बाबा राजपुरी द्वारा लगभग आज से 600 वर्ष पहले हुआ था, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य की पद्धति को मानने वाले सन्यासी संत हुए, जिन्होंने पंजाब क्षेत्र, क्योंकि उस समय ये पंजाब क्षेत्र था, अभी ये हरियाणा क्षेत्र है और हरियाणा में ये कैथल जिला के अंतर्गत आता है, तो ये पहले पंजाब क्षेत्र के अंदर आता था, पटियाला जिला के अंदर आता था ये मठ। तो उस समय बाबा जी ने यहाँ बाबा लदाने में जन्म लिया था, इसी नगरी का उनका जन्म स्थान है। उसके बाद उन्होंने सन्यास जो है बाबा सुरस्तीपुरी नामक संत से बाते में जाके लिया था। उसके बाद उन्होंने सन्यास लेने के बाद उन्होंने बाबा लदाना को अपने तपोस्थली के रूप में सम्मान दिया। ये अभी आप जब अंदर चलेंगे मठ के, तो हमारे यहाँ एक प्राचीन जाल है जो लगभग माना जाता है कि बाबा साहब के समयकालीन है। इसी जाल के नीचे बाबा जी ने बैठ के तपस्या और योग किया, जिससे उन्हें संत वृत्ति व तप करने की शक्ति गुरु लोगों से प्रदान हुई, जिसके उपरांत उन्होंने पाकिस्तान में जाके हिंगोल नगरी पे हिंगलाज माता का तप किया और हिंगलाज माता को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद माता ने उनसे कहा था कि हे संत, आप अपने लिए कोई वर मांगो, जिससे कि आपने इतना तप तपस्या किया और इस तप पे मैं प्रसन्न हूँ और आप मेरे से कोई आशीर्वाद मांग सकते हो। तो बताते हैं बाबा राजपुरी जी ने जगत कल्याण और समाज कल्याण के लिए उन्होंने अपने तप के आशीर्वाद स्वरूप मांगा कि आप हमारे जन्म स्थान बाबा लदाना में अष्टमी वाले दिन आ जाया करिए और जो भी लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या लेके आएंगे, जो हमारे समाधि पे मानता रखेंगे, उसको आप पूर्ण करिए, ये हमारी आपसे मानता है। और आने वाले समय में जो भी यहाँ से सन्यासी हों उन पे आपकी विशेष कृपा बनी रहे, तो ये आशीर्वाद बाबा राजपुरी ने माता से प्राप्त किया। उसके उपरांत ये मानता है कि यहाँ अष्टमी वाली रात को एक विशेष हवन होता है, जिसमें इस क्षेत्र के लगभग सब साधु संत, जो क्योंकि बाबा राजपुरी के हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल और राजस्थान और गुजरात में 365 स्थान हैं, जिसमें दिल्ली में प्रमुख तौर से 3-4 स्थान हैं, जिसमें टट्टू शाह की बगीची प्रमुख है। इन मठों क्या स्थापक बाबा राजपुरी जी हुए और उनके हर मठ के सन्यासी बाबा लदाने से व्यक्तिगत तौर से गुरु स्थान मान के जुड़े हुए हैं। ये बाबा राजपुरी परिवार की मुख्य गद्दी है, जिसका आप लोग दर्शन करिएगा। और इनका हर साल दशहरे के उपरांत यहाँ भारी मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारत के लगभग 7-8 राज्यों के पब्लिक आती है और साधु संत श्रीपन दस नाम जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, महानरवाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जो 7-8 अखाड़े हैं सन्यासियों के, लगभग हर अखाड़े के संत यहाँ आते हैं और नाथ संप्रदाय और बैरागी संप्रदाय से भी विशिष्ट संतों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है।